सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडसइंड बैंक का आईएफएससी कोड कैसे निकालना है वो बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, अंत तक देखना, तभी आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड का पता चल पाएगा। और फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि किस ब्रांच का आपको आईएफएससी कोड चाहिए। यहाँ पे हर अलग ब्रांच का हर बैंक का हर अलग ब्रांच का आईएफएससी कोड अलग अलग होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपको किस ब्रांच का आपको आईएफएससी कोड देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको आईएफएससी कोड देखने के लिए गूगल पे या क्रोम पे जाना होता है। क्रोम पे जाना, गूगल ओपन कर लेना, कोई भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे लिखना है इंडसइंड बैंक, आपको लिखना है इंडसइंड बैंक। यहाँ पे इंडसइंड बैंक आईएफएससी कोड, आपके जो भी ब्रांच हो वो आपको यहाँ पे डाल देनी, जैसे कि जयपुर या वैशाली नगर, जयपुर या अलवर, बीकानेर, जो भी आपकी ब्रांच हो उसके आगे आपको डाल देना है। जैसे कि जयपुर का देखना है तो जयपुर का यहाँ पे डाल देना है। जयपुर लिखते ही आपको यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे बता चुका है। और नीचे भी यहाँ पे देख सकते हो कि आईएफएससी कोड INDB यहाँ पे 5016, ये यूज़ फॉर नेफ्ट और RTGS, इसके ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है आईएफएससी कोड। यहाँ पे बहुत सारे और भी आपको MICR कोड भी मिल जाते हैं, बहुत सारे कोड मिल जाते हैं और भी ब्रांच का। आपको देख चेक करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर आप मैन्युअली चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे वीडियो में कोई भी परेशानी, आपको दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना उसके रिगार्डिंग, तो हम आपकी सारी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जरूर से करेंगे। फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।